अच्छा अच्छा के विद्यार्थी हैं। पिछले वीडियो में आपको अभ्यास एक सुन लो दो में दूसरे सवाल में दो सवाल बता दिए थे। आज हम आपको बताएंगे सवाल नंबर 3। संख्याएं दी गई इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब हमने बताया था कि बढ़ते हुए क्रम में वह संख्या जो सबसे छोटी है पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे क्रम से लिखते जाएंगे बढ़ते हुए क्रम में, तो इसको कहेंगे आरोही क्रम। इसमें संख्या दी गई है आगे पीछे करके इसको हमको व्यवस्थित करना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है कौन सी बड़ी है। संख्या पहले लिख लेते हैं। इकतीस, चौबीस, तीस, एक संख्या ये हो गई, दूसरी 298, 675, तीसरी 37, 821, उसके बाद 29, 89, 164 और लास्ट में है 89, 21, 63 और 51, यानी 1, 2, 3, 4, 5। 21, 24 चेक कर लेते हैं, 29, 86, 37, 8, 21, 29, 89, 64, 89, 21, ये संख्याएं हैं। इसको हमको इसे हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इन 5 संख्याओं में हम पहले पता करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो ये पता करने का पहला नियम क्या है कि संख्याओं में कितने अंक हैं उसको गिन लेते हैं। जिस संख्या में सबसे कम अंक होंगे वो सबसे छोटी हो जाएगी। अगर मान लीजिए सभी में बराबर अंक हैं तो हम बाईं ओर से संख्याओं का मिलान करते हैं, तो पहला नियम इसमें हम लगाते हैं, देखा जाए कि किस संख्या में सबसे कम अंक हैं। इसमें 2, 4, 6, 7 अंक, 6 अंक, 5 अंक, 7 अंक और ये 8 अंक। तो सबसे कम अंक हैं इसमें कितने अंक, 5 अंक। तो ये संख्या हो गई सबसे छोटी, यहाँ लिख देंगे आरोही क्रम। तो 37,821। तो अब ऐसे निशान लगाएंगे। अब जो संख्या इसके बाद आएगी क्या होगी, इससे बड़ी होगी। अब एक संख्या हम लिख लिए, अब बाकी बचे हमारे पास 4 संख्याएं। 4 संख्याओं में फिर हम अंकों की गणना करेंगे। 2, 4, 6 इसमें 7 अंक हैं, 2, 4, 6 इसमें 6 अंक हैं, इसमें भी 7 अंक हैं और इसमें 8 अंक हैं। तो सबसे कम अंक वाली ये मिल गई आपको, जो कि 4 संख्याओं सबसे छोटी है और जो संख्या यहाँ लिखी गई है इससे बड़ी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 29, 86, 75। अब हमारे पास बचे 1, 2, 3 अंक। 3 अंकों में 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7,
दो अंक ऐसे हैं जिसमें क्या है, सात सात अंक हैं, और इसमें आठ अंक हैं उसको छोड़ देते तो सबसे बड़ी पहले हो ही गई, वो सबसे बड़ी हो गई। अब इसमें दोनों में जो सात सात अंक हैं, अंक तो बराबर हुए, अब कैसे पता करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, तो बाईं ओर का पहला अंक, दोनों में बाईं ओर जो पहले अंक लिखे हुए हैं उसकी तुलना करेंगे, तो इसमें सबसे बाईं ओर कौन सा अंक है, तीन, और इसमें सबसे बाईं ओर कौन सा अंक है, दो, तो ये तो इससे ये छोटी हो गई। अब इसको हम लिख देंगे 29 89 164, ये भी लिखा गया, इससे बड़ी ये है। अब इसको लिखेंगे 31 24 63 7, और ये लास्ट वाली जो है ये सबसे बड़ी है। अब लास्ट वाली लिख देंगे 8921 6351। कुल कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन पांच संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ये हमको मिली, इससे बड़ी ये मिल गई, फिर इससे बड़ी ये मिल गई, इससे बड़ी ये मिली, और सबसे बड़ी ये संख्या मिल गई। तो क्या हो गया, ये सवाल दिया गया था, ये आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर दिया गया। ऐसे सवाल नंबर 4 है, कर लेंगे, चलिए बता देते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम समझ लीजिए, आरोही क्रम में दो सवालें, दो या तीन सवाल आपको बता दी गई हैं, अब आपको समझा दें अवरोही क्रम। सवाल नंबर 3, 3 का पहला, यहाँ लिख देंगे अवरोही क्रम, तो पहला है 18162, उसके बाद 31619, उसके बाद 61321, उसके बाद 74434 हल। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो हम यहाँ क्या पहले देखेंगे, पहले हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहला नियम क्या है, संख्या में अंकों को गिनकर पता करते हैं, कि इसमें 5 अंक, यहाँ भी 5 अंक, यहाँ भी 5 अंक, यहाँ भी 4 अंक, तो 4 अंक वाली संख्या सबसे छोटी हो ही गई, उसको बाद में लिखना है। हमको अभी पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3 संख्याओं में बराबर के अंक हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, इन संख्याओं में जो सबसे बाईं ओर का पहला अंक है उसकी तुलना करेंगे, तो इन तीनों संख्याओं में सबसे बाईं ओर का पहला अंक, इसमें 1 है, इसमें 3 है, और इसमें 6 है, तो जाहिर सी बात है 6 अंक सबसे बड़ा है, तो ये संख्या हमको मिल गई सबसे बड़ी, तो 61
321। ये संख्या सबसे बड़ी। अब इन दोनों में देखते हैं, इसके बाईं ओर का पहला अंक 1 और इसके बाईं ओर का पहला अंक 3, तो ये संख्या बड़ी हो गई। 316 ये हो गया। इससे बड़ी नहीं, सॉरी, सबसे बड़ी संख्या ये, हाँ ठीक, इससे बड़ी ये वाली हो गई। छोटी 31,619। ध्यान रहे कि हम अवरोही क्रम में चल रहे हैं, इसके बाद सब संख्याएं छोटी लिखी जाएंगी, छोटी रहेंगी। सबसे बड़ी संख्या ये आ गई, इससे छोटी ये, और फिर इससे छोटी ये वाली 18,162। और सबसे छोटी ये लास्ट वाली 1। तो क्या किया गया, सभी संख्याओं में पहले हम पता करेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमको मिल गई 61,321, इससे छोटी 31,619, इससे छोटी 18,162, इससे छोटी 7,434। तो ये हो गया इसका आरोही क्रम। एक और बता देते हैं इसमें, बस तीसरा, छत्तीस 78 12, 94 56, 21 66, 81 21 13, 81 21 13, 94 56 32 10, 94 56 32 और ये 10, 94 53 102, इतनी संख्याएं आपके पास हैं। इसको लिखना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। पहला नियम क्या है, अंकों को गिन करके 2 4 6 2 4 6 8, 2 4 6 2 4 6 8, 2 4 3 7। तो 8 वाली संख्या में एक ये आया और ये 2 4 6 8, 2 4 6 8, दो संख्याएं हमारे पास ऐसी मिल गई जिनमें 8 8 अंक समान हैं। अब कौन सी संख्या बड़ी होगी, दूसरा नियम लगाएंगे, इन दोनों संख्याओं में सबसे बाईं ओर के अंक की तुलना करेंगे। तो इसमें सबसे बाईं ओर 9, इसमें सबसे बाईं ओर 9। दूसरे अंक पे चलते हैं 4 4, तीसरे अंक पे 5 5, देखिए दोनों मिलता जा रहा है, अभी हम अंतर नहीं पा रहे हैं। चौथे अंक पे 6 और 6, यहाँ तक तो बराबर आ गया। अब पांचवें अंक पे आते हैं, तो इसमें 2 है और इसमें क्या है 3, तो ये संख्या जो है सबसे बड़ी आ गई। तो इसको लिखेंगे 94 56 32 और 10। अब इससे छोटी, इससे छोटी 8 अंकों में यही मिल जाएगी आपको, 94 56 21 66। अब 3 3 6 3 3 6 3
3, 6, 7। अब इससे छोटी आ गए आपकी सात अंकों वाली, 94, 53, 102, ये भी आपको मिल गया। अब बचे आपके पास 3, 3, 6, 6 अंकों वाली। 6 अंकों वाली दो संख्याएं मिली हैं, तो 6 अंकों वाली दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें देखिए पहला अंक है 3, इसमें पहला अंक 8, तो इससे बड़ी ये हो गई 81। 21, 13 सबसे छोटी संख्या आपको मिल गई ये 36, 78, 12। ये आपको हो गया अवरोही क्रम, माने सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला सवाल ये आपका समाप्त हो गया, 1.2 समाप्त हो गया है, आगे 1.3 शुरू करेंगे।